अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी गुलनाज और आप देख रहे हैं गुलनाज की दुनिया। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है, आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि संडे के दिन लाइट नहीं जाती तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लें, और आज ठंड भी थोड़ी कम थी तो मैंने आज मशीन लगा ली। देखिएगा इस कपड़ों को, स्पिनर हो चुका है, कपड़े सुखाने की मशीन है स्पिनर, इसमें कपड़े बहुत अच्छे सूख जाते हैं। गर्मियों में तो इसमें सूखने के बाद 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो शाम हो जाती है कपड़े सूखते सूखते, लेकिन काफ़ी हद तक देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। आप इसको इस्त्री करके भी पहन सकते हैं, इतने ज़्यादा सूख जाते हैं इसमें कपड़े। देखिए हम इस मशीन में सारे कपड़े डाल देंगे जो भी हमने धोए हैं, ताकि जो हमारे कपड़े हैं स्पिनर हो जाएँ, और फिर हम स्पिनर करेंगे इस मशीन में। इस मशीन में कपड़े बहुत अच्छे स्पिनर हो जाते हैं, इसके बाद ना सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़ों को। तो हम इसमें सारे कपड़े डाल देंगे और इनको स्पिनर करेंगे। देखिए गाइस, इस स्पिनर में कपड़े भर दिए हैं, और इस स्पिनर के ऊपर एक जाली आती है यहाँ पे लगने के लिए, लेकिन ना वो टूट गई है हमारी, तो हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। देखिए अब हमने इसके ऊपर टी शर्ट लगा के इसको कवर कर दिया ताकि कपड़े बाहर आके फंस ना जाए। अब इसको बंद कर देंगे और चाबी घुमा के इसको चला देंगे, इसमें कपड़े बिल्कुल ड्रायर हो जाएंगे कि बस आप इस्त्री करो और पहनो। अगर आपके घर में भी स्पिनर वाली मशीन है तो आपको पता ही होगा कि किस तरह अच्छे तरीके से कपड़े सुखा देती है। देखें कपड़े हमने ड्रायर से निकाले हैं, ऑलमोस्ट सूख गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं, ये देखें अब बिल्कुल सूख गए हैं। अब इसको सिर्फ हवा लगा के आप पहन सकते हैं या इस्त्री करके भी पहन सकते हैं। ये इतनी मोटी टी शर्ट है, ये भी इसमें सूख गई है बिल्कुल अच्छी तरीके से। साढ़े 12 हो चुके हैं और हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं, और अभी ये लास्ट स्पिनर हो रहा है, ये रुक जाए फिर हम कपड़े। देखिए कपड़े पूरे हो चुके हैं, अभी मोजे भी हमने स्पिनर कर लिए थे, ये सारे निकाल के देखें बिल्कुल सूख चुके हैं इसमें कपड़े। अब हम इनको तनी पे फैला देंगे। देखिए हमने कपड़े धुल लिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पर इसको सुखाने जाएंगे। देखिए जनाब, संडे का व्यू हमारा, संडे के दिन जो है अमूमन सबके घर में ही कपड़े धुलते हैं, और आप देख सकते हैं कि छतों पे आपको कपड़े जो है वो सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे। और हमारे घर में भी संडे के दिन ही मशीन लगती है, क्योंकि संडे के दिन जो है कराची में लाइट बहुत कम जाती है, तो वह दिन सबसे अच्छा होता है कि आप मशीन लगा लें और जल्द से जल्द जो है ना फारिग हो जाए इस काम से। और हम लोगों ने भी आज मशीन, और ताकि हम लोग भी जल्दी फारिग हो जाए, क्योंकि वर्किंग डे पे तो लाइट ही बहुत जाती है कराची में, तो उस दिन तो आप मशीन लगा के नहीं लगा सकते, आप उस दिन फंस जाएंगे क्योंकि आपका काम लटक जाएगा। क्योंकि कराची में एक बार लाइट जाती है तो 3 घंटे 4 घंटे आए आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करा करें कि संडे के दिन लाइट जो है मशीन वगैरह लगाए ताकि आपका काम जो है वो जल्द। पास भी स्पिनर है, और सर्दियों में जैकेट है सूखने में 2-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारी जो जैकेट है वो थोड़ी सी देर में सूख जाएगी, शाम तक वो कहीं किसी को पहन के जानी हो तो शाम तक सूख जाएगी। अगर आपके पास स्पिनर नहीं है तो आप ले सकते हैं स्पिनर, लेकिन सर्दियाँ होती है तो मोजे वगैरह सब धुलते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं। हमने अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से हमने पूरे महीने बाद मशीन लगाई है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं अभी तो आधे धुले, आज संडे तो आधे कपड़े आज निपटा लिए, अब देखें बिल्कुल भी जगह नहीं, अगर और कपड़े धुलते तो खा जाते। और 1:30 बज रहा है और कपड़े सुखा के और कपड़े धो के अब मैं फारिग हो चुकी हूँ, अब दोपहर की रूटीन क्या होगी मैं आपको बताऊँगा, शेयर करूँ बोलो। देखें मनो, देखें हमारी हमारे साथ ही घूमती रहती है, जाओ जाओ वहाँ चली जाती है, साथ साथ घूमती है।
गंजी बच्ची मेरी बेटी कोरी कोरी तो नहीं हो तू कोरी तो नहीं हो अच्छी तो हो वो अच्छी नहीं हो गंजी देखिए गाइस शाम का वक्त हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। कपड़े धोने के बाद, बर्तन धोने के बाद अब मैं फारिग हुई हूँ, तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ नीचे फ्लोर की। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखिए गाइस दोपहर का टाइम हो चुका है और दोपहर की जो है ना वो गर्म गर्म रोटियाँ बन रही हैं। खाने के टाइम हम आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या है, और ये रोटियाँ बन रही है, तवा गर्म हो चुका है और इस पर हम रोटी डाल देंगे। देखिए गाइस दोपहर में फूली फूली रोटियाँ, खाना तैयार हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे और शाम भी हो गई है और आज का व्लॉग बहुत लंबा भी हो गया है, तो बाकी का व्लॉग आपको कल दिखाएंगे। आज हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो हम बताएंगे आपको कि कौन से मेहमान हैं, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। आप कमेंट्स करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।